नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रशी राजपूत। दोस्तों, लोग अपने घर की सजावट के लिए तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना पसंद करते हैं। पेड़ पौधे घर के सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बनाए रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे पौधे भी बताए गए हैं जो आपको विपरीत परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन पेड़ पौधों को घर में लगाने से बचना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आप अपना कोई सवाल रखना चाहते हैं और जवाब जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में। हम अपना नंबर आपको लगातार शेयर करते हैं, 0120715387, 0120715386 नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए। और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, इसी की उम्मीद करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो पेड़ पौधों को लेकर है कि किस तरीके के पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, क्योंकि घर में कौन कौन से पेड़ पौधे आचार्य जी लगाने चाहिए, क्या इसको लगाते समय वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए, और कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे भी लगे होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कांटेदार पौधे या फिर ऐसे जिनसे जो कांटेदार हो, जो चुभने वाले हों, वो नहीं लगाने चाहिए। तो वैसे कौन से पौधे जिनको घर में जगह देनी चाहिए और जो पेड़ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए, इनमें क्या फर्क है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन सही दिशा में सही जगह लगने से वो धन की वृद्धि करता है। व्यक्ति पर बनी रहती है माँ लक्ष्मी की कृपा यदि मनी प्लांट आप घर में सही दिशा पर लगाते हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह केवल सही जगह अच्छे पौधे लगाने से ही संभव होता है। ऐसे में घर में जब आप पौधा लगाएं, चयन करें, या इंडोर प्लांट लगाने का भी आजकल बहुत चलन चल रहा है, ऐसे में बिल्कुल सही दिशा चुन करके वास्तु के अनुसार आप पौधे लगाएं तो व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं तो व्यक्ति की समस्या बढ़ जाती है जीवन की, और नकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होने लगता है। तो देखिए, आजकल घरों में जो कैक्टस लगाने का चलन पड़ा है, ये वास्तु शास्त्र में कांटेदार पौधे मानते हैं इसको। ये कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसे गुलाब के पौधे को भी घर में लगाने से बचना चाहिए। इस तरह बोनसाई के पौधे को भी घर में अंदर नहीं लगाना चाहिए, वरना इसके घर के सदस्यों की तरक्की में ये पौधे रुकावट पैदा कर देते हैं और ये पौधे बिल्कुल अशुभ होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मेहंदी के पौधे को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसी प्रकार इमली के पेड़ को भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इसको भी अशुभ माना गया है। तो देखिए, जिसके मन में कुछ होता है और दिल में कुछ होता है, उस आदमी को हम अशुभ मानते हैं, उस आदमी को हम बेकार मानते हैं। ऐसे ही मेहंदी का पेड़ है। मेहंदी के पत्ते में है लाली, मगर दिखाई देती नहीं, और दिखाई देता है तो हरा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर लाली होती है। ऐसा डिप्लोमेटिक पौधा घर में लगाने से भी दिक्कत होती है। कहते हैं ना डिप्लोमेसी, कि मन में कुछ और, दिल में कुछ और जबान पे कुछ और। तो डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक व्यक्ति से ही लोग डरते हैं। इसे बोनसाई के पौधे और मेहंदी के पौधे ये कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये कहीं कहीं नुकसान करते हैं। इमली के पेड़ को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधों को कभी भी घर में अंदर नहीं लगाना चाहिए। गुलाब का पौधा कितना अच्छा होता है, लेकिन वो भी कांटेदार है, इसे उसको लगाने से बचना चाहिए। अच्छा, बोनसाई के पौधे को देखो आप, कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसको भी अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से बहुत लाभ होता है। विशेष रूप से पौधे सूखने पर भी उसको घर में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई पौधा सूख गया है तो
तुरंत उसको हटा दीजिए आप। नकारात्मक फैलाने लगता है। साथ ही घर में पौधे लगाएं जिनसे धूल निकलता हो, ऐसा पौधा भी अशुभ माना गया है। तो लगाएं क्या, आप तुलसी लगाइए, आप मनी प्लांट लगाइए, आप सजावट के तरह तरह के पेड़ जो होते हैं जो बिना कांटेदार हैं आप लगाइए, बहुत शुभ है। चमेली लगाइए, बहुत शुभ है। तो पौधे, आम का पेड़ लगाइए, बहुत शुभ है। ये पेड़ बड़े शुभ माने गए हैं जो आपके अनुकूल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देते हैं और विपरीत परिणाम में आपकी मदद करते हैं। इसलिए पौधा जब भी आप चयन करें तो कृपया आज बताई गई बातों पर विशेष ध्यान देकर के चयन करें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो आचार्य जी ने आपको बताया और समझाया कि आपको किस तरीके के पौधे घर में लगाने चाहिए और कौन से पौधों को आपको अवॉइड करना चाहिए जो आपके घर में वास्तु के अनुरूप नहीं होते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, कि करके कॉलर्स को ले लेते हैं आचार्य जी। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी, हाँ गुरु जी, हमारे घर राधे राधे जी। घर के अंदर गुरु जी लाल चुटियाँ बाहर और काली चुटियाँ, तो गुरु जी दो चुटियाँ निकलती हैं। दूसरा प्रश्न गुरु जी मेरा ये है कि मेरी लड़की मोनिका सिंह है, गुरु जी इसका कब तक रिश्ता होगा? इसे सरकारी जॉब वाला मिलेगा या अपने कोई बिजनेस वाला मिलेगा? इसकी डेट वर्क है 20 जुलाई। देखिए, सबसे प्रथम तो आपने चींटियों का जिक्र जो किया, घर में लाल चींटी का निकलना बिल्कुल अशुभ माना गया है। लाल चींटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। काली चींटी है तो कोई बात नहीं, अब लाल चींटी है तो करें क्या? हल्दी के पाउडर को आप पूरे घर में बुरका दें, इससे लाल चींटियां आना और निकलना बंद हो जाता है। मरती भी नहीं है और निकल जाती है। नंबर दो बात, बेटी के लिए आप पूछ रही हैं, इनको कोई सरकारी नौकरी वाला ही लड़का मिलेगा, लेकिन शादी का संयोग अभी नहीं है, ये 2026 में जाके होता है। आप बहुत जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दी करने से कई बार जो है वो ठीक नहीं रहता। हम प्रकृति के खिलाफ जाकर के कोई काम करते हैं तो फिर उसके परिणाम भी ठीक नहीं निकलते। इसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप धैर्य पेशेंस रखिए, 26 में इनको सरकारी लड़का, सरकारी नौकरी करने वाला लड़का प्राप्त होगा और लड़के का नाम ए और एस नाम से होगा, आपके मकान से पूर्व दिशा में होगा और 60 किलोमीटर की परिधि में होगा। आप बिल्कुल नहीं डरें और ये बच्ची को निश्चित रूप से नौकरी लगने का बहुत संयोग बन रहा है। कृपा करके इनसे शुद्ध और पवित्रता से भगवान भोलेनाथ की सेवा करने के लिए प्रेरित करिए, कहिए प्रतिदिन शिव भगवान की सेवा करें और एक बाल्टी जल में थोड़ा केसर मिश्रण करके और फिर अभिषेक करें, निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी प्रणाम। हेलो बोलिए। हाँ जी प्रणाम, राजेंद्र विकनेश। हाँ राजेंद्र जी बताइए। देखिए जो विशेष प्रश्न है, थोड़ा विशेष जवाब दीजिए। आपका जो दिव्य ज्ञान है वो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। आपका वैसे दिव्य ज्ञान भी बहुत तगड़ा है। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। मैं सुबह के 4 बजे स्थान बीकानेर जी। 17 सितंबर 1965 है, सुबह 4 बजे स्थान बीकानेर जी। आगे जो दशा जो आनी है मेरी, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से मेरा किस क्षेत्र में
झुकाव रहता है, किस क्षेत्र में प्रगति भी आते रहते हैं, तांत्रिक को ज्योतिष के क्षेत्र में चाहे अपने इसमें देखो, आपको शनि की महादशा चल रही है, शुक्र का शनि की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है, शनि वक्री हो रहा है अष्टम भाव में, और आपने करक लग्न में जन्म लिया है, राहु और चंद्रमा ग्यारहवें भाव लाभ घर में बैठे हुए हैं, जो कि आपको ग्रहण योग बना रहे हैं। आपके जीवन में अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर आपको संघर्ष करते रहना पड़ा है, लेकिन आपको अपना आत्मबल संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर भी आप संयम बनाए रखें, क्योंकि आपने जो प्राप्त किया है वो मेहनत से प्राप्त किया है। निश्चित रूप से आपका समय शनि की महादशा में, शुक्र का अंतर का समय ये बहुत कठिन जो है संघर्ष करने को देता है, आपको घबराना नहीं चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना मुंह देख करके और शनि को चढ़ाएं, शनि महाराज के मंदिर में जाकर के उसको अर्पण करें। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने घर में गंगा जल गौमूत्र मिश्रण करके पीले फूल से पूरे घर में यदि छिड़कते हैं तो निश्चित रूप से समय निकल जाएगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपको लाभ की स्थिति में आगे बढ़ाएगा। आप ये कीजिए, अवश्य आपको विपरीत परिस्थितियों में शक्तियां प्राप्त होने लगेंगी, ये विपरीत समय कह सकते हैं। और ये समय आपका 11, 12, 25 तक रहने वाला है, उसके बाद समय आपका बहुत शानदार रहेगा, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आप ये कीजिए, अवश्य आपको बहुत लाभ होगा, बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आचार्य जी आपको नमस्कार, मैं चूरू से बोल रहा हूँ। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिवलिंग के ऊपर पितरों के लिए या पितरों की तरफ से दूध और ये पंचामृत चढ़ा सकते हैं क्या, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये बड़ा सार्वजनिक प्रश्न आपने किया है, बड़ा अच्छा लगा। आपने मिथुन लगन में जन्म लिया है, गुरु बुध केतु सूर्य आपके लगन में विराजमान है, केतु और सूर्य आप समझते हैं कि ये भी एक ग्रहण योग जैसी स्थिति पैदा करता है, और गुरु और बुध का बैठना ये भी ठीक है, लेकिन मंगल और राहु का और राहु नीच की स्थिति में सातवें घर में बैठना, निश्चित रूप से केंद्र में राहु का होना पितृ दोष होता है। तो मैं इतनी डिटेल में आपको इसलिए बोल रहा हूं कि पितृ दोष आपको है, पितृ आपके घर में 2+1 छोटा बालक होता है, और जो मैं आज समझ पा रहा हूं आपकी जन्म पत्री को देख करके, बुध की महादशा आपको चल रही है, मंगल का अंतर है, बृहस्पति का प्रतंत्र है, बुध आपका लगन में बैठा हुआ है, बुध मूल त्रिकोण का है और स्वराशि में बैठा हुआ है, शनि आपका उच्च का सातवें पांचवें घर में बैठा हुआ है, उच्च का शनि पांचवें घर में बैठना, आप बहुत मेहनती बहुत योग्य व्यक्ति होंगे, आध्यात्मिक धार्मिक होंगे, इसलिए आपको पितरों के लिए या कोई भी पूजन करने के लिए एक विधिवत करने की मन में शक्ति का वास होगा, या कह सकते हैं कि आपकी जिज्ञासा रहेगी और अच्छा करने की जिज्ञासा मन में रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने पितरों के लिए निश्चित रूप से गंगा जल गौमूत्र घर में छिड़कें और उसके बाद ध्रुवा गण पितरों को नहीं चढ़ाते हैं, ध्रुवा गणपति को चढ़ाइए आप, और ये ध्रुवा जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, कांडात कांडात पुरोहंती परुख परुखश परि एवान दुर्वे प्रातन शास्त्र सत्य नचा, अनेक प्रकार के शास्त्र यानी हजारों प्रकार के लाभ
आपको मिलेंगे और आपके जीवन से हजारों प्रकार के विघ्न दूर होते चले जाएंगे। इसलिए ध्रुवा गणपति को अर्पण करिए, पितरों को गंगा जल गौमूत्र से पूरे घर में छिड़किए, आपको बहुत लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। आचार्य जी, अब वक्त हो गया है राशिफल का और बड़ी बेसब्री से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज का उनका दिन कैसे जाने वाला है। तो आइए इसी क्रम में चंद्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं मेष राशि से, और मेष राशि के सभी जातकों के लिए आज विशेष तौर पर ट्रेनिंग से बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा, या फिर आपके अपने मित्र के साथ बैठने से, उनका अनुभव सुनने से आपको आपके भविष्य के लिए कई प्रकार की टिप्स प्राप्त होंगी, और ये टिप्स आपका करियर को मजबूत बनाती है, परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्तों को बहुत सुदृढ़ बनाती है। वहीं आज परिवार के सदस्यों के साथ कहीं मनोरंजन या मनोरंजक की योजना भी आप बना सकते हैं। आज का लकी नंबर 3 है। आज का भाग्यशाली रंग की बात करें तो गहरा पीला है, और आज के उपाय की बात करें तो दोस्तों पीला वस्त्र आज धारण करें आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं आपके अपने वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए आज अपने कार्यस्थल पर वरिष्ठ लोगों का दबाव आपको अनावश्यक तनाव में डाल सकता है। आपके परिवार के सदस्य बहुत सहयोग की भावना लेकर आपसे अत्यधिक प्रभावित होकर के आपको बहुत बड़ा मानते हुए कई प्रकार की आशा और मांग रखने वाले हैं। आज का लकी नंबर की बात करें 3 रहेगा। आज का भाग्यशाली रंग की बात करें गुलाबी रहेगा, और आज भगवान शिव को आंकड़े की पुष्प की माला यदि आप पहनाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह बेलपत्र 108 की माला बना के आप भगवान शिव को दान कराएं, आपको अवश्य लाभ होता है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, और वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज तर्क की उन्नति के साथ प्रमोशन की जगह पर आपके ट्रांसफर का संयोग बन रहा है। आज परिवार की खातिर आपको खुशियों का त्याग करना पड़ सकता है। आज का लकी नंबर 1 है, तो आज का लकी रंग क्रीम है। आज के उपाय की बात करें तो आज बड़े भाव से मंदिर जाकर के भगवान शिव के सामने अपनी परेशानी कहें, सभी प्रकार के कष्ट आपके दूर होने वाले हैं। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों। कर्क राशि के सभी जातकों को विशेष तौर पर व्यवसाय में कुछ आज नया करने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यस्थल पर अपने बॉस के साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। खासतौर पर अपने बच्चों के साथ कुछ सुखद समय आज आप बिताएंगे। आज का लकी नंबर 10 है, और आज का लकी रंग हल्का नीला है। और आज के उपाय की बात करें तो भगवान शिव को बील पत्र की माला बना करके और शिव जी को अर्पण करें, आपको अवश्य लाभ हो रहा है। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कार्यस्थल पर आपकी कई योजनाओं में बदलाव की स्थिति होने वाली है। आज कोशिश करें कि आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए परिवार व करीब दोस्तों के साथ किसी शुभ मंगल समारोह में आप शरीक होने का प्रयास करें। आज का लकी नंबर 18 है, और आज का भाग्यशाली रंग मैजेंटा है। भगवान शिव का आज अभिषेक करें और बील पत्र धारण कराएं, आपके लिए बहुत शुभ रहे। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, और वो है
कन्या राशि। कन्या राशि के सभी जातकों को आज अपने कार्यस्थल पर कोई राह आसान होने वाली है। परिवार में किसी नए सदस्य की खबर को आप मनोरंजक या पार्टी का आनंद लेने के लिए आज तैयार रहेंगे और ऐसा अवसर आपको आज प्राप्त होगा। आज का लकी नंबर आपका 14 है और आज का लकी रंग फिरोजा है। आज भगवान शिव को भोग लगाएं और घर में बने पकवान का भोग लगाएं, या फिर आप बाजार से मावे का प्रसाद ला करके और भगवान को अर्पण करें, आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के सभी दर्शकों के लिए आज खास तौर पर कोई पदोन्नति, आपकी पहचान बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी। व्यक्तिगत प्रयास घर में खुशी और सद्भावना लाने के लिए आज आप जिम्मेदार बनेंगे। आज का भाग्यशाली अंक की बात करें 15 है और आज का लकी रंग गहरा लाल है। आज के उपाय की बात करें तो घर के मंदिर से जाते समय नंगे पैर आप मंदिर में जाएं और नंगे पैर ही वापस आए, बहुत शुभ रहेगा। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं वो है वृश्चिक राशि वाले लोग। आज आपके कार्यस्थल पर अंदरूनी लोग आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। अपने दृष्टिकोण में उनका उदार ही रखें। परिवार के सदस्य के साथ खूब सुख पलों का आज आप आनंद उठाएंगे। आज के भाग्यशाली नंबर 9 है, आज का लकी नंबर लकी रंग सुनहरा भूरा है। आज का उपाय, भगवान शिव की आराधना करें, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और भांग मिला हुआ जल शिव को अर्पण करें। और अब इसी क्रम में हम बात करते हैं और वह है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज खास तौर पर नौकरी की तलाश जो कर रहे हैं, उन्हें नौकरी प्राप्त होने के साथ एक बेहतरीन पहचान का भी पहचान की प्राप्ति होने का संयोग दिखाई देता है। आज घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने के पूर्ण संकेत दिखाई देते हैं। आज का लकी नंबर 8 होता है। आज का लकी रंग इलेक्ट्रिक ब्लू होता है। आज का भाई, गायत्री मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों की। प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना पूर्ण होती है। कुछ लोगों के स्थानांतरण के भी संयोग बनते हैं। आपको अपनी जरूरतों के लिए परिवार की मदद पर निर्भर रहना हो सकता है। आज का लकी नंबर 23 है और आज का लकी रंग बैंगनी है। आज का उपाय, शमी पत्र छड़ा करके भगवान शिव का अभिषेक करें, आपको बहुत अच्छा दिन रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। आपको आज व्यावसायिक तौर पर विदेश की यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। पारिवारिक मामलों में कानूनी हस्तक्षेप से आज आपको सख्ती से बचना चाहिए। आज का लकी नंबर 15 है, आज का लकी रंग नीला है। घर से निकलते समय माता पार्वती के दर्शन करते हुए आप घर से निकलें, आपको जरूर सफलता प्राप्त होती है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। आज कार्यस्थल पर कठिन चुनौतियों का, परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा और आपकी गति और दक्षता अधिकतम उपलब्धि की प्राप्त
प्राप्ति की ओर रहेगी, इससे आपके काम आज बनेंगे। और आज का लकी नंबर की बात करें तो 3 रहेगा, आज का लकी रंग की बात करें पीला रहेगा, और आज के उपाय की बात करें तो ओम नमः शिवाय का जप करें, आपको बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना ये था राशिफल। जी आचार्य जी ने आज आपको बताया कि किस तरीके से आपको घर में पौधे रखने हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आचार्य जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ इस भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।